ये बताना ये किस किस के खाए हुए हैं। गेहूँ से के लिए साफ करके लाई हूँ। पसे को राखी, ए राखी सुनो सो गुड़ ढूंढ के ला। बस मैं तो खोलू ना गुड़ मिलो दड़ियो तू ही ले ले मंस। आज सुबह मेरी आंख खुली है बिटू, मेरी आंख खुली और मैंने आया लागे हो जना कोई दूध है ना दर्दी हो चूल्हा पे यार बड़े को गुस्सा आयो। कल दिन में मैं सोते हो तेरे चाची कर दे तो मस्त पड़गी जोर की। क्या मैं आरती कर रही निंदा का मैं तेरी शुगर शिव जी की ओम जय शिव ओंकारा। और खड़े खड़े होनोगे शिव जी का दर्शन ओ ताला जी ताला पक्का ही का ता मतलब मैंने सपनो आओगो अगवाई सपना बाब हर हर महादेव दर्शन कठिया सी गिरोगा माटी कौन सी माटी गिरोगा शिव जी बोलते ना देखो तदास तो जते अपना पुठिया तो ये यही तोड़ लियो तोड़ लो देखो रोटी खा ली यही तोड़ लियो रोटी खाली में ना। हाँ ऑडियंस भी गया थी शर्मा जी राम राम भी नहीं करते। राम राम करो उरान मुंडो करके उरान मुंह करके बोलो उरान मुंह कर लियो घो घमंड हो रहे है तो जी कोई घमंड वगैरह कुछ नहीं है बस ये है कि आजकल इन्होंने वो आदत छोड़ दी ना खुद से मन नहीं करता इनका। मामा ने जगत मामू होगो माटी गिरी है ये सारा ये देखो। अरे दोनों इधर आ जाओ नैनी शिवांश चाचो बुढ़ा पग में बड़ा काम कराया फालतू में बुढ़ापा में बड़ा काम करा टूट जाए कल फोरो कौन देखा तो चार डाली खड़ी है बाजरा की और जोरा मर्दी है बैठाऊ माटी लेंगे ये देखो इधर पानी का कटाव तो जी दो तीन दिन पहले कमेंट आ रहे थे कि गाय भैंसों की दुर्गति कर रखी है तो देखो दुर्गति तो कुछ नहीं है वो बेल जो बांध रखी है ना आप लोगों को टाइट लग रही होगी लेकिन हम लोग पास रहते हैं हमें भी पता है। और ये देखो उन्हीं के ठान में डालने के लिए मिट्टी जो है ना वो निकाली जा रही है और कम से कम ना एक ठान में 60 परात डाली होंगी तो सोचो चार ठान दे मतलब चार खुट्टों पर गाय और भैंस बांधी जाती हैं। हमारे दो बच्चियाँ हैं एक भैंस है मतलब अभी दिसंबर में उसकी डिलीवरी होगी और एक गाय है जो कि अभी लेकर आए हैं तो चारों के ठान में 60-60 परात के हिसाब से सोचो कितनी मिट्टी डाली होगी कितनी देर तक लगे रहे होंगे और उन ठानों की मिट्टी निकाली भी गई है तो आप लोग सोच सकते हो सब लोग ये केयर करते हैं यार पशु है ना। हमारे मम्मी पापा जो हैं वो सुबह उठते ही जो पहली जो दिन की शुरुआत होती है ना वो गाय को रोटी देने से ही होती है। घर में जो भी रोटियां बनाते हैं ना उसमें जैसे पूरा परिवार खाता है उससे आधी तो हमारे पशुओं के लिए बनाई जाती हैं कि सुबह उठते वो लोग दे के आएंगे। फिर घर के एक दो मेंबर और भी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मतलब दिन की शुरुआत गाय को रोटी देने से ही करते हैं तो भैंस एक ही बचती है उसको भी दे देते हैं फिर। और हमारे घर में पहली रोटी भी गाय की बनती है तो ऐसा नहीं है कि पशुओं की देखभाल नहीं की जाती बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है और सबको अच्छे लगते हैं ठीक है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बिना दूध के ही आप लोग देखते होंगे पिछले दिनों में दूध नहीं दे रही थी फिर भी हमारे गाय और बछिया दोनों थी मतलब लोग गौशाला में डाल देते हैं लेकिन हमारे घर में ये होता है कि घर का तूड़ा है तो ही रहती रहेंगी क्या फ़र्क पड़ेगा। चला गया पगी तन गिर गया लगो गया लग गिर तन लाइट गई आप तो सोचा बैठा रहेंगा आप सोचा उरा वो हम बैठा रहेंगे लाइट हो चलेगी।
बैठा बैठा ऐसे हट जाएगा ना, जना जाके सही आऊंगा। एक तो ये मकान बनाएगा, ये मकान ही बनाता लगे और क्या करेंगे फिर ना। मेरा मुंह कितना मोटा दिख रहा है इस फोन में। मेरे पास उस चीज़ है ना। ले लेना है ना, बहुत मोटा दिख रहा है ना यहाँ से। तो जी मैंने इस फोन में वीडियो शूट करना शुरू किया। हम लोग आए थे इधर वाले घर में, वो लाइट चालू छोड़ दी। हम लोग आए थे इस घर में, पूरी फैमिली आई थी, सब लोग आए थे, बड़े भैया बच्चे दीदी। तो सब बाकी सब लोग जा चुके हैं। छोटी जीजी, मैं, नैनी, शिवांश और नैनी के पापा, हम लोग जाएंगे। इधर काफ़ी घास उगा हुआ था, वो घास निकालने के लिए आए थे, सब लोग जा चुका, आप लोगों ने देखा हो तो। और इसमें ना फूलों के पेड़ भी थे काफ़ी, और तो निकाल दिए, तीन चार छोड़ दिए। हमने तो और भी थोड़े से, लेकिन ताऊजी ने निकलवा दिए। यहाँ पे ना पड़ोसी बता रहे थे इस घर में एक सांप, एक ग्योरा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, बड़ी छिपकली, बड़े छिपकली नहीं, ग्योरा बोलते हैं, ग्योरा समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, ग्योरा किसको बोलते हैं। वो दो देखे हैं उन्होंने, पड़ोसी बता रहे थे 8-10 दिन पहले, बोले ध्यान से करना काम, किए थे। तो अब रहेंगे जब जाके, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जब तक नहीं रह रहे तब तक दिख रही हैं, है ना। वैसे घर का व्यू काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब इसमें पेंट वगैरह हो जाएगा, फ्लावर्स लग जाएंगे। और मेरा तो विचार है कि ये वाला रूम पापा जी कह रहे हैं बनाएंगे, और आगे भी बनाने का बोल रहे हैं, तो इधर सब्जी वगैरह फ्लावर लगा के इसको प्यारा सा लुक दे देंगे। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, मुझे पता चला है, पापा जी बता रहे थे ये पड़ोसी भी आने वाले हैं, ये लोग दूर रहते हैं, अभी कलकत्ता रहते हैं, बनिए है ना, ये बढ़िया है, ये कलकत्ता रहते हैं, तो ये लोग भी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अच्छी खासी बस्ती हो जाएगी। अब टेंशन मतलब बढ़िया वाला हो जाएगा, एकदम बढ़िया सिस्टम, रहने लायक घर हो जाएगा। अब चलते हैं घर पे, ये वाली ताऊजी ने चालू किया पापा, ये बाहर की लाइट चालू, बाहर की दूसरी है, बाहर की तो रहने दो, दूसरी है बाहर की, यहाँ से होगी वन, यहाँ से ये रहा इसका बोर्ड, अभी दिखाते हैं। तू बाहर निकाल ले, ये देखो, ये मंदिर कहाँ है, शिव जी का शिव महाराज जी मंदिर, ये मैं बाला जी को समझी, आ जाओ। तो जी ये देखो माँ जी खड़ी वेट कर रही है। हम लोग गए थे गांव में, और अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी, क्या बनाए क्या नहीं बनाए देखेंगे घर जाके, अभी तक तो कुछ सोचा ही नहीं है। सब्जी के अंदर सिर्फ चॉइस बहुत कम होती है खेतों में। देखो ये जंगली मशरूम जड़ भी गई उग के, चलो अंदर चलते। तो जी ये है हमारे यहाँ की शाम, सूरज छिपने को है, शाम होने को है, और ठंडा ठंडा मौसम है। ये लोग कर रहे थे ये काम दोनों साइड में, जो रास्ते के पास के जो पेड़ होते हैं ना, बाजरे की टहनियाँ जो होती हैं, इनकी मिट्टी हट जाती है, तो इनको मिट्टी लगाई है इन्होंने, जैसे देखो ये आधे खेत में लगा दी, शायद इसमें तो लगी हुई है, उन्हीं की ज़्यादा हटी थी क्योंकि वो खड्डा सा हो गया था। ये देखो, ये देखो क्यों कर रहे हो, ना फिर मैं तुम्हें सोच रही थी कि जड़ा माटी लगाओ, जड़ा माटी
अच्छा न टेढ़ा करो जाके भिजा नहीं कल आप ही कह रहे हो मैं तो रखा हूं भी जाऊं जाना पाछे भी भिजो जाएगो उस तो बात बिड़ेगी भाई गांव में रहया तो पतासी ने बुआ कहनी पड़ेगी तो गांव में रहया पतासी ने बुआ भी कहनी पड़ेगी भिजनो भी पड़ेगा तो क्यों जोरंबर दी टाइम वेस्ट करो मैंने भी जगो रे कहीं अड़े को आदमी गए अड़े तो कोई तुम ना मानो तो मना मानो मैं तो जाऊं घर हां मेरे को 5 बजे आ देखियो और भिजो खोल दी तन अपन पुराना एक्सपीरियंस हो रहे हैं कृपा को चलो ठीक है चलते हैं हम बनाते हैं खाना वाना कुछ ककोड़ा की बेल अपना खेत में भी तो ही कटी ही बताओ तो सर मारते याद है कने सारे याद सारे याद है दोस्तों सुबह जाओ तोड़ो और मिल जाए हमारा बता दी मैं भी तोड़वा जाना चाहिए आपको अच्छा बीज लगा कौन से को थे लाल ककोड़ा ही मन गिर दो मामा के मैं तो रूं को नैठे नहीं मैं गेरी दूं ककोड़ा क्यों नैन का खेत में देखो अन का गांव में बारिश का मौसम में ककोड़ा नहीं मिल रहा बता तो क्यों उस अन का गांव में नहीं मिल रहा सोचने की बात मैं तो भाई चार बार सब्जी उन्हें खा लिया हाँ तारली सब्जी में परसों देखी सुनो मैंने सुनी भाई जी का ककोड़ा ले आई और पाछे सब्जी बनाऊ थी कल देखी फिर मैं सोची मुख भाई मैं बोली कल यह सब्जी थारे बनाए आई तू अठे भी ले आई बोलना यही ही मैं बोली खाए कौन भाई जी खाए एक लोग खाली एक जीसा की सब्जी बनी हूँ मैं माँ जी की भी कौन बनी ओहो बनाई कौन अच्छा जी एक लोग खा हो रहे भाई जी की बनी देखो मैं लाया थोड़ी बहुत लाई थोड़ा बहुत कटम पड़ गया लाई मैं पापा सही है पर तेरे पापा वैसे दिलेरी कहनी पड़ेगी बोला हम चार बार सब्जी बनाने वाला तेरे पापा ही लेने वाला और कोई नहीं ले पाए यह बात है।